तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह की पत्री का डिजाइन। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल खास है क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इस बच्चे के चेहरे पे जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में जो इफेक्ट दिया है और उसका जो टीका लगाया है वो स्पेशल है, और जो आप ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो किस तरह से रेडी किया है दोस्तों सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल समीर ग्राफिक्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप ये जो पत्रिका है जो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी हुई है, इसे दोस्तों मैं आपको रीडिज़ाइन करके बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको कोई भी इसका ट्यूटोरियल बताएगा और आपको फटाफट लगा के समझा देगा, बट दोस्तों मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ईमानदारी से। दोस्तों ये पत्रिका को डिज़ाइन करने में कम मुझे आधा घंटा लगा है। तो दोस्तों आप भी डिज़ाइनर हो, आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। ये मैं आपको ये 5 से 10 मिनट की वीडियो में ये रीडिज़ाइन करके बताने वाला हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे मैंने कैसे एडिट किया है। स्पेशल इसमें ये वीडियो है दोस्तों कि आप जो हेत अंकित जो वाघ है जो नाम देख रहे हो इसे मैंने किस तरह से रेडी किया है, और ये जो बच्चे पे जो इफेक्ट मैंने दिए है वो किस तरह से रेडी किया है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में जो इसका जो स्टॉक है या हमारे पास जो स्टॉक है इसका जो भी है तो ये मटेरियल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और इसका पासवर्ड जो है इस वीडियो में है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखना, और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएंगे, और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्या कोरा पेज लेकर ये जो बैकग्राउंड है दोस्तों ये जो शेड है ये मैंने गूगल पर से जाके डाउनलोड किया था, मैंने सर्च किया था वॉल बैकग्राउंड। तो दोस्तों इस तरह की शेड जो है मेरे पास में आई थी, तो इसी को मैंने ये जो पत्रिका की जो साइज़ है उसी साइज़ में मैंने इसे सेट करके रेडी कर दिया था। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए ये मैंने कैसे एडिट किया है वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसे ले लेता हूँ और इसे पीछे मार देता हूँ ताकि उससे हमें बिल्कुल सही तरीके समझ में आए। देखिए दोस्तों मैंने इसे रीडिज़ाइन किया है इसलिए ये परफेक्ट बैठ रहा है। या मैंने फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया तो मुझे काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके से और अलग अलग कलर्स मुझे करने पड़े थे, बट इसमें मुझे अब ज़्यादा टाइम ना लगेगा ताकि आपको भी मैं समय बचा सकूँ। तो दोस्तों ये हो गया, और अब इसके बाद में दोस्तों क्या करता हूँ, ये जो बच्चे का फ़ोटो है मैं इसी को यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने सेट किया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया तो मैंने इसे इधर 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 हर जगह पर सेट करके देखा, और जब सही बटा मैंने वहीं पर रख दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने बस फर्स्ट टाइम में इसे इस तरीके से एडिट करके रख दिया। दोस्तों जो पत्रिका उसे तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है, और इसे भी मुझे काफ़ी टाइम लगा। ये तो मैं आपको रीडिज़ाइन करके बता रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा टाइम ना लगेगा। तो हो गए दोस्तों ये, और ये आप ये देख सकते हो इस तरीके से जो मैंने पीछे इफेक्ट दिया है। चलिए मैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर आपको तो पता ही इसके शैडो वगैरह कैसे देने हैं क्या देने हैं। तो दोस्तों ये जो इफेक्ट है इस तरह के इफेक्ट की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, पर दोस्तों मैंने उसमें ब्लैक एंड व्हाइट करके नहीं बताया है इसीलिए मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में समझाने वाला हूँ। ओके तो दोस्तों मैं इसकी डबल कॉपी बना लेता हूँ, और इसे मैं क्या करता हूँ इस तरीके से जो है शेप में उसे थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ ताकि हमें इतना हाथ में आ जाए, और मैं इसे यहाँ पर बड़ा करके सेट कर दूँ। ओके ये मैंने इसे इस तरीके से कर दिया, और इसे मैंने इस तरीके से फिरा दिया जैसा कि ये फ़ोटो है। ओके तो चलिए मैं इसे इस तरीके से जो सेट करना है वो तो आपको भी पता है, बस फटाफट मैं इसको सेट करके आपको बता देता हूँ। और ये जो शेप है दोस्तों इसके अनुसार मैं इसकी कटिंग करने वाला हूँ। तो इस शेप पर मैं दोस्तों कंट्रोल दबा कर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गई, और दोस्तों मैं इस सिलेक्शन में आकर ये यहाँ पर जो है इसे रिवर्स सिलेक्ट मैं कर देता हूँ। ओके और मैं दोस्तों ब्रश टूल लेकर इसे यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। ओके अब हम चलते हैं दोस्तों कैमरा और फिल्टर में। याद रखिए दोस्तों इस तरह की प्रोफेशनल अगर आपको पत्रिका बनानी है तो आपके पास पीसी होना जरूरी, यानी कि फोटोशॉप सीसी आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके से पत्रिका डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका सेचुरेशन वगैरह सब कम कर देता हूँ ताकि ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों सिर्फ ये हार्ड हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए दोस्तों हम इसे अंदाजन थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं, और दोस्तों शैडो को हम फुल कर देते हैं। ओके
और इस तरीके से दोस्तों ये इफेक्ट की मेरी एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर देख लेना क्या मैंने किस तरीके से हर एक इफेक्ट यूज़ किया है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, बस आपको ब्लैक एंड वाइट करना है और वो वीडियो में जो जो स्टेप मैंने बताए आप वैसे फॉलो कर लेना। ओके तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया था, आप देखिए इनके ऊपर मैंने इस तरीके से ये टीका लगाया हुआ था। तो चलिए मैं ये टीका भी आपको सही लगे लगा देता हूँ। तो ये मैंने ब्रश सिलेक्ट किया है, सिंपल है दोस्तों, ये मैंने इसके तरीके सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये जो है इस बच्चे के सिर पर ये मैंने टीका भी लगा देता हूँ। ओके तो इस तरीके से ये टीका भी आ गया, देख सकते हो दोस्तों। आपसे कुछ भी गलत नहीं बताऊँगा, जो है सब कुछ सही सही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इतना दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होंगी तो आप बस पूरी वीडियो देखना। दोस्तों क्या है, आप स्टॉक डाउनलोड करेंगे और रीडिज़ाइन कर लोगे, उसमें मतलब नहीं दोस्तों, आपको कम से कम कुछ ना नया सीखने मिलना ज़रूरी है। ओके ये हो गया। अब मैं गणपति बप्पा का जो फोटो है ये भी मैंने पीएनजी करके रखा हुआ है, ये मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए है। मतलब कि मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो गणपति बप्पा का फोटो है ये लगन पत्रिका में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, बस उसी तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया है। और ये जो पीछे है ये कुछ आपको गूगल पर कहीं नहीं मिलेगा, गणपति बप्पा का ये फोटो मिल जाएगा और आप इस तरीके से ये ढूंढोगे ब्लैक वाला। ये मैंने इस तरीके से इसी शेप बनाई थी और इसी को मैंने ओपेसिटी कम करके नया रख दी है और उसके साथ में पीएनजी बना के रेडी कर दिए ताकि आपका भी समय बच सके। ओके अब इसके बाद मैं ये ले लेता हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इस तरीके से, जो कि इस वीडियो में सॉरी जो इस पत्रिका में सेट है उसके अनुसार मैं इसे सेट कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको तो पता ही जो सब ये टैक्स है ये मैटर, आपका जो भी क्लाइंट जो भी आपको मैटर देगा उस तरीके से आप सेट कर दीजिएगा। तो ये तो मैंने सेट किया था, आप अपने तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये आपके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपका क्लाइंट आपको जो मैटर देगा आपको वही वही सेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आ गया, ये इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि मैंने किस तरीके से इसे एडिट किया है। और ये इस तरह से जो टैक्स है मैंने इधर लगा दिया, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों किस तरीके में किया। अब दोस्तों मैं आपको मेन बात बता दूँ, आपने हर एक वीडियो देखी है उसमें आपको क्या करते हैं जो टैक्स है और इफेक्ट है इससे डायरेक्ट रेडी करके बता देते हैं और इस तरीके से जो है पुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। और दोस्तों आप ये सीख नहीं पाते हो कि इस इफेक्ट को किस तरह से यूज़ किया है, तो मैं आपको ये बताऊँगा, थोड़ी वीडियो लॉन्ग होंगी आपने देखना। तो चलिए मैं इसी को यहाँ पर ले लेता हूँ और इसे सबसे पहले मैं क्लियर इफेक्ट कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली मैं आपको समझा सकूँ। ओके तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट में आता हूँ और यहाँ से मैं एक बेसिक वाला जो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं मुझे यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ ये वाला और ये जो इसे वाइट रहने देता हूँ, इसे रेडल करके दोस्तों मैं इसे गोल कर देता हूँ और ये इस तरीके से इसे इफेक्ट दे देता हूँ। ओके तो ये इफेक्ट आ गया। अब इसके बाद दोस्तों मैं ग्लो में जाता हूँ और ये इस तरीके से ये वाला जो है ये कलर इसे मैं ग्लो दे देता हूँ और दोस्तों ये इनर ग्लो जो है इसे भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इनर ग्लो में मैं फुल येलो रख देता हूँ ताकि पूरा इफेक्ट दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से जो है वो रेडी हुआ, जो तरीके से मैंने ये रेडी किया। इतना दोस्तों मैंने थोड़ा इसमें हार्ड कलर ले लिया, मैंने थोड़ा मामूली जो फिक्का है जो फिक्का ऑरेंज है मैंने वो लिया था, थोड़ा मामूली मैंने जो है गट ऑरेंज इसमें कलर यूज़ कर लिया है। तो आप एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से, बस इतने फ़र्क है, आप देख सकते हो सेम है, जो ग्लो है मैंने थोड़ा बढ़ा दिया उसे, आप थोड़ा नॉर्मल रख देना। तो इस तरीके से आप रेडी कर लेना और इसके बाद ये जो मैटर है जो कुछ भी मैटर हो तो आप अपने हिसाब से ही ऐड कर लेना, ये सब कुछ टैक्स है रेडी है। और मेरे को ज़रूरत भी नहीं है आपको ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन में देने की टैक्स वगैरह, क्योंकि ये आपका काम का नहीं है, जो आपके क्लाइंट जो आपके निमंत्रक वगैरह जो भी देगा आपके वो काम के रहेंगे, ये सिर्फ आपको मैं सजा के बता देता हूँ टैक्स के साथ में, ताकि आपको प्रॉपर यकीन हो कि हाँ भाई भाई ने जो वीडियो बताया है मैंने उसी तरीके से सब कुछ रेडी हुआ है। और अब ये फूल ले लेता हूँ मैं और ये फूल को भी दोस्तों मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी यूनिक होती है, मैं ज़्यादा वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, कुछ इफेक्ट वीडियो में नहीं देता हूँ, मैं सादा सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और हालांकि काफ़ी सारे इस महीने में जो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके हैं, पिछले महीने 800 से 1000 थे, अभी 1500 के लगभग हो चुके हैं। और दोस्तों काफ़ी सारे जो
मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी सारे मुझे सवाल पूछे हैं, उसके भी दोस्तों मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जल्दी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो ये इस तरीके से सेट करना है और बस अब बाकी है यहाँ पर मेरा लोगो लगाना। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से रेडी हुआ है। और ये जो गुलाल है दोस्तों, जो मैंने ऊपर टीका लगाया है, ये थोड़ा लाइट कलर लिया था तो इसे भी मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ये देखिए, अगर आपको समझ में आए, वरना आप ये ना बोले कि भाई तूने इफेक्ट गलत बताया हमें। ये देखिए, जो इफेक्ट बच्चे पर है मैंने वही इफेक्ट मारे है। इतना थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना होगा और सही तरीके से उसे प्रॉपर देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बच्चे के शैडो की। तो मैं यहाँ पर ये जो एक कलर इस तरीके से करके कलर दे देता हूँ, ओके। और ये कलर को दोस्तों आपको इस तरीके से जो है बढ़ा देना है। आप प्रॉपर काम करना, ये मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से जो शैडो देना है, शैडो के लिए दोस्तों आपको प्रॉपर बारीकी से काम करना होगा, तभी जाके आपको प्रोफेशनल शैडो आएगा। इस तरीके से ब्लैक कर देता हूँ और जो ओपेसिटी कम कर देता हूँ, जो तरीके से मैंने इधर सेट किया है आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जो भी है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल जो मेरी डिज़ाइन थी सबसे पहली डिज़ाइन, और जो थंबनेल पे बताया मैंने, ये डिज़ाइन दोस्तों मैंने यहाँ पे रेडी किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होंगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और दोस्तों अगली वीडियो में आपको इससे बढ़िया पत्रिका लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।